गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं राकेश कुमार यादव मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है देखिए पहला क्वेश्चन यदि तीन सौ इकहत्तर भाग सोलह बराबर तेईस पॉइंट एक आठ सात पाँच है तो जीरो पॉइंट जीरो, जीरो जीरो तीन सात एक बाघ जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो, पॉंट जीरो, पॉंट जीरो, पॉंट जीरो, जीरो एक छह का मान क्या होगा तो देखिए पहला क्वेश्चन किसका मान दे रखा है अपन को तीन सौ इक्य पॉइंट सोलह तीन सो इग्योत्तर बटा सोलह का अपन को मान दे रखा है तेईस तेईस पॉइंट एक आठ सात पाँच किसका मान निकालना है अपन को तीन सौ बटा सोलह तो ऊपर सोलह जगह चला जाएगा एक हजार इन नीचे कितना आ जाएगा जीरो 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 पांच जीरो एक दो तीन एक दो तीन जीरो से तीन जीरो चला जाएगा तीन सौ इकहत्तर में सोलह का भाग देंगे अपन तो आता है कितना तेईस पॉइंट एक सात पांच तेईस पॉइंट एक सात पांच बटा कितना आएगा सौ तेईस पॉइंट एक सात पाँच बटा सौ तो दो जीरो उठ तो जाएगा तो जीरो पॉइंट दो तीन एक आठ सात पाँच दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अठारह चौबीस तीस बयालीस से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में तीन शेष बचता है प्रत्येक मामले में प्रत्येक मामले में तीन शेष बचता है तो अपन को इसका निकालना पड़ेगा एल सी एम अठारह चौबीस तीस और बयालीस का एल सी एम तीन का भाग देंगे स्टूडेंट्स तीन छो अठारह तीन आठ चौबीस तीन दा एक तीन तीन दाखा तीस और चौदह तीस बयालीस फिर दो से तीन चार पाँच और सात तो ये जाएगा दो एल्शियम दो इंटू तीन इंटू तीन इंटू चार इंटू पांच इंटू सात पांच सात सात तो पैंतीस पैंतीस सत्तर और पैंतीस पैंतीस दुना सत्तर और सत्तर दुना एक सौ चालीस ये हो जाएगा तीन तीन नौ नौ दुनिया अठारह इंटू एक सौ चालीस अठारह इंटू एक सौ चालीस अठारह को एक सौ चालीस से मल्टीप्लाई करने पर आएगा पच्चीस सौ बीस पच्चीस अपन को तीन ऐड करना पड़ेगा तो पच्चीस सौ तेईस आगे देखें स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन दस पुरुष किसी कार्य को दस दिन में कर सकते हैं दस पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में दस दिन में तो दस मैन दस दिन में कार्य पूरा करते हैं जबकि बारह महिलाएं इस पूरा करने में दस दिन लगाती है बारह वोमेन इंटू दस तो दस से दस चला जाएगा यह हो जाएगा इधर बराबर और बराबर पांच पंद्रह पुरुष और छह महिलाएं तो इसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उन्हें कितने समय लगेगा तो दस मैन पहले दस महीने की स्पीड कितनी है छ की छ दस इंटू छ इंटू दस दिन बराबर पंद्रह पुरुष पंद्रह इंटू छ पंद्रह इंटू छ प्लस छ महिलाएं छ महिलाएं की स्पीड कितनी है पाँच की तो दस छ इंटू दस साठ इंटू दस छो छो बराबर छसो बराबर ये कितने दिन में करेगी अक्स तीन में तो अक्स तो यो जाएगी पंद्रह छिक नब्बे और तीस एक सौ बीस एक सौ बीस बराबर सौ सौ बटा एक बीस बार पांच दिन में आगे देखे स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बहत्तर अस्सी और अठासी से विभाजित किए जाने पर बावन साठ और अड़सठ शेष पल बचता है बावन साठ और अड़सठ तो अठासी माइनस बहत्तर माइनस बावन बराबर बीस अस्सी माइनस साठ बराबर बीस और अट्ठासी माइनस अड़सठ बराबर बीस तो अपन को इसका एलसीएम निकालना है और उसमें से बीस जोड़ना है एलसीएम पत्तर अस्सी और अट्ठासी का एल्शियम चार से अठारह सौ बहत्तर बीस सौ का अस्सी और बाईस से फिर दो से नौ दस और ग्यारह नौ दस और ग्यारह फिर और किससे नहीं जा रहा है तो एल्शियम आ जाएगा एल सी एम बराबर दो इंटू चार इंटू नौ इंटू दस इंटू ग्यारह तो ये हो जाएगा एक सौ दस ये हो जाएगा नौ सौ नब नौ सौ नब्बे नौ सौ नब्बे इंटू जाएगा जीरो आठ नाम बेहतर का दो हासिल की सात आठ नाम बेहतर और आठ अस्सी आठ हजार बीस बेहतर और सात बेहतर और सात उन्यासी सात नौ प्लस इसकी इसके अंदर अपन को माइनस करना पड़ेगा बीस हो तो जाएगा सात हजार नौ सौ आगे देखे स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन सोलह सेमी व्यास वाले एक लेड के गोले से बनाई जा सकने वाली एक सेमी व्यास वाली लेड की गेंदों की संख्या तो सोलह सेमी व्यास तो इसकी बड़े वाले की तिरजा हो जाएगी आठ छोटे वाले की आर की तिरजिया हो जाएगी एक बटा दो सेमी तो बड़े वाले का तो बड़े वाले का हो जाएगा चार बटा तीन पाई आर क्यूब बराबर चार बटा तीन पाई आर क्यूब तो चार बटा तीन से चार बटा तीन चला जाएगा पाई से पाई चला जाएगा इधर हो जाएगा आठ इंटू आठ इंटू आठ बराबर आठ इंटू आठ इंटू आठ बराबर एक बटा दो इंटू एक बटा दो इंटू एक बटा दो तो आठ इंटू आठ इंटू आठ पाँच सौ बारह इंटू आठ पाँच सौ बारह इंटू आठ हो तो जाएगी चार हजार छियानवे आगे देखे स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन तीन अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो सात से विभाजित है तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है सौ तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है नौ सौ निन्यानवे तो सौ में अपन सात का भाग देते हैं तो सात एकम सात सात सौ कटाई चौदह पूरी पूरी बाढ़ जाता है नौ सौ निन्यानवे में अपन सात का भाग देते हैं सात एकम सात दो सात सौ अट्ठाईस एक सात चौदह एक सौ बयालीस माइनस चौदह एक सौ बयालीस माइनस चौदह बराबर एक सौ अट्ठाइस ऐसी संख्या है जिसमें सात से पूरी तरह विभाजित है आगे देखिए सातवा क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से पच्चीस प्रतिशत अधिक अंक, मूल्य अंकित करता है कितना अधिक करता है पच्चीस किंतु उस पर वह साढ़े बारह प्रतिशत की छूट प्रदान करता है यदि वह वस्तु को आठ सौ में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितने की छूट दे रहा है आठ सौ छूट कितने की दे रहा है साढ़े बारह मतलब एक बटा आठ तो ये हो जाएगा सात बटा आठ सात बटा आठ बेटा पांच नीचे पांच और उप, ऊपर चार तो सात से सात एकम सात सात दो चौदह सात पंजे पैंतीस पांच से पांच से पच्चीस बार पच्चीस पचीस दो सौ दो सौ इंटू चार बराबर उसका क्रय मूल्य हो जाएगा आठ सौ आगे देखे स्टूडेंट्स आठवा क्वेश्चन कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई धनराशि तीन वर्ष में स्वयं की आठ गुनी तीन वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी आठ गुनी यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है तो तीन वर्ष में तो पहले वर्ष में हो जाएगी तो अगर सौ प्रतिशत रहेगी तो दो सौ दूसरे में हो जाएगी दो सौ से चार सौ और तीसरे में हो जाएगी आठ सौ तो कितने प्रतिशत सौ प्रतिशत आगे देखें स्टूडेंट्स नोवा क्वेश्चन एक छोटा लड़का एक दवज से कुछ दूरी पर खड़ा है जब मैं देखता है तो उसकी आंख दवज़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है दवा डंड की ऊंचाई कितनी है छोटा लड़का इधर है और ये कितने का कौन बना रहा है साठ डिग्री का तो जनशील लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए तो साठ के सामने होता है रूट तीन इधर हो जाएगा तीस के सामने एक इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा दो तो रूट अक्स रूट तीन बराबर तीस अक्स रूट तीन बराबर तीस अक्स बराबर बटा रूट तीन तो ऊपर नीचे रूट तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तीस तो रूट तीन बटा तीन तो तीन से दस बार तो दस रूट तीन आगे देखे स्टूडेंट्स दसवा क्वेश्चन एक त्रिभुज के कोण का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मापों में अंतर तो सबसे बड़ा कितना होगा तीन अनुपात में सबसे छोटा एक अनुपात में अंतर कितने का है दो का तो 180 डिग्री बटा अनुपातों का योग 30 डिग्री एक का मान तो अंतर कितना है दो अक्ष दो इंटू तीस बराबर 60 डिग्री आगे देखे स्टूडेंट्स ग्यारहवा क्वेश्चन एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बिना रुके एक निश्चित दूरी तय करता है और ठहराव के साथ उसकी चाल घटकर 50 किलोमीटर घंटा रह जाती है वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है तो चाल हो जाएगी एस वन माइनस एस टू बटा एस वन माइनस एस टू बटा एस वन बराबर इंटू साठ मिनट एस वन कितना है साठ माइनस पचास बटा दस साठ माइनस पचास बटा साठ इंटू साठ उसका मिनट में तो ये हो जाएगा दस बटा साठ इंटू साठ ये हो जाएगी दस मिनट आगे देखें स्टूडेंट्स बारवा क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं की माद्य ज्ञात कीजिए तीस, अड़तीस पैंतीस अट्ठाइस पच्चीस बीस अठारह सोलह सत्रह और उन्नीस तो इनको बढ़ते हुए क्रम में मतलब आरोही क्रम में आरोही आरोही बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आएगा सोलह सत्रह अठारह उन्नीस सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस पच्चीस अट्ठाईस तीस और पैंतीस और अड़तीस कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 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 तो हो जाएगा मादिका तो पांचवा और छठवा पद बटा पांचवा पांचवा और छठवा बटा दो तो पांचवा कितना है इधर चार इधर पांचवा बीस प्लस पच्चीस बटा दो बीस और पच्चीस 45 बटा दो तो आ जाएगा बाईस पॉइंट पांच आगे देखिए स्टूडेंट्स तेरहवा क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो चार पांच, छह, पंद्रह और अठारह से पूर्णतः विभाजित हो तो चार पांच पंद्रह और अठारह का एलसीएम तो जाएगा दो से दो पांच तीन पंद्रह और नौ फिर जाएगा तीन से दो पाँच एक पाँच और तीन फिर जाएगा पाँच से दो दो, एक एक एक, एक और तीन एल तो सी एम बराबर दो इंटू दो तीन इंटू तीन और पाँच तो दो चार चारती बारह भारतीय छत्तीस छत्तीस पंजे एक सौ अस्सी तो अपन को एक पाल से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ये तीन तीन का जोड़ा बन जाएगा ये तीन का ये दो का ये पांच का तो एक सौ अस्सी इंटू पांच तो संख्या हो जाएगी नौ सौ आगे देखिए चौदहवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सी भिन सबसे छोटी है छह बटा ग्यारह छह बटा ग्यारह तो अपन इसमें छः के अंदर ग्यारह का भाग देते हैं तो आ जाएगा पॉइंट छः के अंदर ग्यारह का भाग देंगे।, देंगे तो आ जाएगा पॉइंट चौवन जीरो पॉइंट चौवन तेरह के अंदर अठारह का भाग देंगे अपन तेरह के अंदर अठारह का भाग देंगे तो आ जाएगा जीरो पॉइंट सात दो पंद्रह के अंदर अपन अगर बाईस का भाग देंगे तो आएगा जीरो तो पॉइंट छ आठ और उन्नीस में अगर अपन छत्तीस का भाग देंगे तो आएगा जीरो पॉइंट बावन और पांच में अगर छह का भाग देंगे तो आएगा जीरो पॉइंट तैयारी जीरो पॉइंट तयासी तो कौन सी बिन सबसे छोटी है तो जीरो पॉइंट चौवन जीरो पॉइंट बहत्तर जीरो पॉइंट अड़सठ जीरो पॉइंट बावन तो जीरो पॉइंट बावन उन्नीस बटा छत्तीस आगे देखें स्टूडेंट्स पंद्रवा क्वेश्चन एक संख्या दूसरी से पचास प्रतिशत अधिक है एक संख्या पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है पचास ये दूसरी अगर सो, सो है तो पहली संख्या हो जाएगी एक सौ पचास तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है कितनी कम है पचास किससे पहली से एक सौ पचास इंटू सो पचास से तीन बार 100 बटा तीन मतलब तैतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत कम है आगे देखे स्टूडेंट सोलवा क्वेश्चन आंकड़ों में निम्नलिखित समूह की, की माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए तो पहले माध्य निकाल लेते हैं नहीं पहले माध्यिका निकाल लेते हैं दो तीन चार पाँच पाँच आठ और आठ तो इसके तो इसकी माध्यिका हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी एक दो तीन चार पाँच छह सात तो बीच वाला हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा पाँच माध्यिका हो जाएगी इसकी पाँच और माध्य राशियों का योग राशिया कितनी है आठ आठ दून सोलह सोलह आठ दस छब्बीस छब्बीस और छब्बीस और नौ छब्बीस और नौ पैंतीस पैंतीस बटा सात माध्य हो जाएगा पांच माध्य का पांच और माध्य पांच तो पांच माइनस पांच बराबर जीरो आगे देखे स्टूडेंट सत्रवा क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजकों को हरल व्यंजकों को हल कीजिए व्यंजकों को हल कीजिए ये हो जाएगा तीन फिर इंटू फिर तीन नीचे आ जाएगा इसका आ जाएगा दस इंटू इसका तीन इसका आ जाएगा सो, इसका आ जाएगा तीन इसका आ जाएगा एक हज़ार इंटू तीन सो, तीन सो, तो दो जीरो से दो जीरो तीन तीन नौ 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 नाम तीन नौ नौ सत्ताइस सत्ताइस ती इक्यासी इक्यासी ती दो सौ तेलिस दो सौ तेलीस बटा दो सौ तेलीस बटा दस हजार तो यो जाएगा जीरो पॉइंट दो जीरो पॉइंट जीरो दो चार तीन आगे देखे स्टूडेंट्स अठारवा क्वेश्चन दो सौ 2430 की राशि को तीन व्यक्ति ए बी सी को इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से में क्रमशः पांच दस और पंद्रह कम करने पर शेष राशि का अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच ए बी और सी ए में कितना कम पांच कम बी में कितना कम दस कम और सी में कितना कम पंद्रह कम तो पंद्रह और पांच बीस और तीस कम कर देंगे एक बार तो इस तीस माइनस तीस बराबर चौईस सौ अनुपात कितना हो जाएगा तीन चार और पाँच तीन चार और पाँच पाँच और चार नौ नौ और तीन बारह चौसौ में बारह का भाग देंगे दो सौ तो ये इसका हो जाएगा एक हजार इसका हो जाएगा आठ सौ इसका हो जाएगा छह सौ सी का हिस्सा सी का हिस्सा हो जाएगा एक हजार पंद्रह एक हजार पंद्रह इसका हो जाएगा आठ सौ दस इसका हो जाएगा छह सौ पांच आगे देखें स्टूडेंट्स उन्नीसवा क्वेश्चन एक मीनार की ऊंचाई दो सौ रूट तीन है इसके पाद बिंदु से दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित इसके शीर्ष का उन्नयन कौन मीनार की ऊंचाई कितनी है दो सौ रूट तीन दो सौ रूट तीन और इसकी दूरी कितनी है दो तो अपन जानते हैं स्टूडेंट्स अगर साठ डिग्री होगा तो साठ के सामने हमेशा रूट तीन होगा और तीस के सामने होगा एक और नब्बे के सामने होगा दो तो ये 60 डिग्री इधर साठ डिग्री होगा तो इसके सामने रूट तीन इधर होगा एक इधर होगा दो तो इसका मान आएगा साठ डिग्री आगे देखिए स्टूडेंट्स बीसवा क्वेश्चन किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर होने वाली होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य के आधे आधे के मूल्य पर बेचने पर साढ़े बारह की हानि होती है साढ़े बारह प्रतिशत की हानि होती है अब मान लेते हैं अगर उसका मूल्य अगर सो है तो इसका अगर मूल्य के आधे मूल्य पर आधे मूल्य कितने पचास पर पचास पर बेचने पर पचास पर अक्स अक्स का हानिश हो जाएगा अक्स माइनस सत्यासी पॉइंट पांच बराबर पचास अक्स अक्स इंटू अक्स अक्स इंटू सात बटा आठ बराबर पचास अक्स बराबर चार सौ बटा सात अक्स बराबर चार सौ बटा सात तो इसका लाभ 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 मतलब प्रॉफिट सो माइनस चार सौ बटा सात सो माइनस चार सौ बटा सात मतलब तीन सौ बटा सात तो लाभ लाभ प्रतिशत प्रतिशत तीन सौ बटा सात बटा नीचे हो जाएगा चार सौ बटा सात इंटू सौ तीन सौ बटा चार सौ इंटू सौ बराबर सेवेंटी फाइव प्रतिशत आगे देखे स्टूडेंट्स इक्कीसवा क्वेश्चन हल कीजिए छह बाघ बाग बड़ा कोष्टक पांच माइनस छोटा कोष्टक चार माइनस चार माइनस दो में से एक चला जाएगा एक तीन में चार माइनस तीन में से एक चला जाएगा तो इधर हो जाएगा चार माइनस दो ये हो जाएगा इधर मजला कोष्टक और बड़ा कोष्टक छः तो भाग बड़ा कोष्टक चार में से दो चला गया तो दो तो इधर हो जाएगा पांच माइनस दो छाघ तीन बराबर दो आगे देखे स्टूडेंट्स बाईसवा क्वेश्चन यदि पांच घोड़े नौ दिन में अठारह क्विंटल जाय खाते हैं एम वन डी वन एच वन बटा डब्लू वन बराबर एम टू डी टू एच टू डबलू टू तो पांच घोड़े नौ दिन में कितना जाए अठारह क्विंटल तो पंद्रह घोड़े कितने दिन में सासठ तो जाएगा नौ से दो बार पांच से तीन बार तीन से बाईस बार अक्स बराबर ग्यारह आगे देखे स्टूडेंट्स तेईसवा क्वेश्चन दो वर्ग कीमी क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत में को एक बाढ़ द्वारा दो समान बागों में विभाजित किया जाता है दो समान बागों में विभाजित किया जाता है इस इसके एक विकरण के साथ संपाति है बाढ़ की लंबाई ज्ञात कीजिए बाढ़ की लंबाई बाढ़ की लंबाई हो जाएगी ये एक वर्गाकार खेत है बाढ़ बाढ़ की लंबाई इसके विकिरण की संपाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर ये कितना है ए स्क्वायर बराबर दो तो बुझा ए बराबर हो जाएगा रूट दो ए बराबर ये हो जाएगा रूट दो ये भी रूट दो ये भी रूट दो, भी रूट दो और रूट दो तो बाढ़ की लंबाई इसकी लंबाई हो जाएगी रूट दो इंटू दो तो हो जाएगी दो आगे देख स्टूडेंट्स चॉइस चौसवा क्वेश्चन एक किसी कार्य को पच्चीस दिन में एक किसी कार्य को पच्चीस दिन में भी उसी कार्य को बीस दिन में वे एक साथ मिलकर दोनों का लघुतम पच्चीस चौक सो बीस पंजे सो वे एक साथ मिलकर पांच दिन तक कार्य करते हैं एक साथ मिलकर पांच और चार नौ की स्पीड से कितने दिन तक पांच दिन तक मतलब नौ पैंतालीस वो पांच पैंतालीस कार्य करते हैं सो माइनस पैंतालीस बराबर पचपन कार्य रह गया फिर एज कार्य छोड़कर चला जाता है बी कार्य तो बी की स्पीड कितनी है पांच की बी कितने दिन में पूरा करेगा ग्यारह दिन में आगे देखे स्टूडेंट्स पच्चीसवा क्वेश्चन छकीघात इकसठ प्लस छात बासठ प्लस छीघात तिरसठ प्लस छात चौंसठ प्लस छीघात पैंसठ इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य है त इकसठ तहकीकत सिक्सटी वन तहकीकत सिक्सटी वन और एल्शियम ले लेंगे फिर एक थे, एक थे, एक छः और एक प्लस छ हो जाएगी एक प्लस छः प्लस छः की घात दो प्लस छ की घात तीन प्लस छ की घात चार हो तो जाएगी छ की घात इकसठ इंटू एक प्लस छ प्लस छत्तीस प्लस दो सौ सोलह प्लस दो सौ सोलह प्लस छ चत, छत्तीसगढ़ हासिल की का छ तीन छः और तीन नौ छ और तीन नौ छह दो बारह ये हो जाएगा इनको जोड़ने पर पंद्रह सौ पचपन तो छ की घाट इकसठ इंटू पंद्रह सौ पचपन तो यह पंद्रह सौ पचपन पंद्रह सौ पचपन पांच और तीन दोनों से विभाजित है पंद्रह से भी पूर्णतः विभाजित होगी आगे देखें स्टूडेंट्स छब्बीसवा क्वेश्चन पाँच रूट पाँच प्लस रूट तीन बटा रूट रूट पाँच माइनस रूट तीन बराबर ए प्लस बी रूट पंद्रह तो रूट पाँच प्लस रूट तीन बटा रूट पाँच माइनस रूट तीन को तो इससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे पाँच प्लस रूट तीन बटा पाँच प्लस रूट तीन बराबर ए प्लस बी रूट का मान पंद्रह में हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाँच रूट तीन प्लस पाँच इंटू पाँच रूट तीन का स्क्वायर तो यह जाएगा पाँच का स्क्वायर पाँच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये, तो ये पाँती पंद्रह प्लस दो तो, और पंद्रह नीचे हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर पाँच माइनस बी का स्क्वायर कितना तीन तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर हो जाएगा आठ प्लस दो रूट पंद्रह बटा आठ प्लस दो रूट पंद्रह बटा दो तो इसका मान हो जाएगा चार चार प्लस रूट पंद्रह बराबर ए प्लस डी रूट पंद्रह ए का मान चार और बी का मान एक आगे देखे स्टूडेंट सत्ताईसवा क्वेश्चन एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दो वर्ष के लिए निवेशित की जाती है यदि यह तीन प्रतिशत उच्च दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज के रूप में तीन सौ रुपये अधिक होते निवेश की गई राशि तीन प्रतिशत अधिक तो दो साल में कितना हो जाता छः प्रतिशत किसके बराबर दे रखा है तीन के तीन सौ इंटू धनराशि सो तो से तीन सौ पचास पचास इंटू सो पचास इंटू सो पांच हजार धन्यवाद स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा